नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि चैमेट की आईडी को परमानेंट डिलीट कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। और आपने भी कई बार ट्राई किया होगा अपनी आईडी को परमानेंट डिलीट करने का, पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिला होगा, सिर्फ आपको लॉग आउट करने का ऑप्शन मिला होगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जानेंगे कि कैसे अपनी आईडी को परमानेंट डिलीट करेंगे और कैसे हमारी आईडी डिलीट होगी। तो चलिए, सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही होगी डिस्प्ले के ऊपर, तो सबसे पहले अपनी चैमेट की आईडी को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, और आने के बाद सबसे पहले यहां पर लास्ट में आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और आने के बाद यहां आपको दिख रहा होगा सेटिंग का आइकन। सेटिंग के आइकन में जैसे आप क्लिक करते हो तो सिर्फ यहां पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अपनी आईडी को कैसे डिलीट करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही जानने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहां पर आपको अबाउट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे हम लोग अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी आईडी किससे आपने बनाई हुई है। आपने जीमेल से बनाई है या फेसबुक से बनाई है, जिस भी आप मेथड से अपनी आईडी को बनाया होगा वह मेथड यहाँ पर दिखेगा कि मेरी आईडी मोबाइल नंबर से बनी है, तो यहाँ मोबाइल नंबर मेरा शो कर रहा है। उसके बाद आपको एक रीजन देना पड़ेगा, आप किस रीजन से इस आईडी को डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक रीजन हमको दे देना है यहाँ पर। तो मैं अभी रीजन क्या देने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से दे लेता हूँ। आपको कुछ भी जो भी रीज़न है आप दे सकते हो, कि मेरे को यूज़ नहीं करता हूँ, या मेरे काम की एप्लीकेशन नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी आपने जो भी आपको अच्छा लगता है जिस हिसाब से आप लिखना चाहो। तो यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करना है। डिलीट करने से पहले आपको बता दूँ, ये आईडी उसी टाइम डिलीट नहीं होती है, आईडी को डिलीट होने में 14 दिन का टाइम लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 14 दिन के अंदर आपकी आईडी डिलीट होगी। जैसे समझ लीजिए कि आईडी आप एक बार यहाँ पर अप्लाई कर देते हो डिलीट के लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया डिलीट के लिए, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपकी आईडी जो है 14 दिन के बाद ही आपकी आईडी डिलीट होगी। अगर आप इसके बीच में अपनी आईडी को ओपन करते हो तो आपकी आईडी जो आपने प्रोसेस किया है डिलीट करने का वो डिलीट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी अपनी आईडी दूसरी खोलनी हो तो इस आईडी को मत खोलिएगा 14 दिन के लिए। अगर 14 दिन के बीच में इस आईडी को खोलते हो तो ये आईडी परमानेंट डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर करना है तो आप जैसे यहाँ पर अप्लाई करोगे उसके लिए आपको 14 दिन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी आईडी को यहाँ पर ओपन नहीं करना है, और इसके बीच में अगर अपनी आईडी को ओपन करते हो तो आपकी आईडी डिलीट नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।